तो गाइस चलिए क्लास 11 स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए मैं जो है थोड़ा बना नहीं पाया था वीडियो, तो थर्मोडायनेमिक्स का आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सभी लोग साक्षी, शताक्षी, काजल है ना, इधर जो है आप लोग सभी सभी लोग ध्यान से देखिए ये। ठीक है, ऋषभ, प्रखर है ना, आप लोग ध्यान से देखिए इस चैप्टर को हम लोग आज से स्टार्ट करने दे थर्मोडाइनेमिक्स। तो इतनी टाइप्स के हम लोग को थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ना है, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ लिए थे, ठीक है, पहले किसका पढ़े थे हम लोग, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ लिए, मतलब इसका मतलब पहला चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग जो है किसका पढ़ लिया, तो और सेकंड जो है फ्लूइड का पढ़ लिया, तीसरा है थर्मोडाइनेमिक्स, इसके बाद पढ़ते थर्मोडाइनेमिक्स, तो लिक्विड के बाद थर्मोडाइनेमिक्स आ गया, और उधर जो है ऑक्सीलेशन का इसके बाद कराता हूँ। तो चलिए देखते हैं थर्मल क्या है, थर्मोडाइनेमिक्स क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम जीरो मतलब थर्मोडाइनेमिक्स, हीट इंजन, इंटरनल एनर्जी वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और थर्मोडाइनेमिक जो प्रोसेस पढ़ना, उसमें प्रोसेस में आइसो क्या है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, और इधर हम लोग को पढ़ना क्या, साइक्लिक प्रोसेस, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर हीट, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, उसके बाद रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कार्नट इंजन। ओके, आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए हम एक एक करके कराते हैं जल्दी जल्दी, पहले डिफाइन करते उसके बाद फिर इसको इवैल्यूएट करते फिर अच्छे से समझाते। ओके चलिए, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज, सबसे पहले हेडिंग है थर्मोडाइनेमिक्स, उसका मतलब समझ, थर्मोडाइनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडाइनेमिक्स देखिए हमारा केमिस्ट्री में भी थर्मोडाइनेमिक्स है और इसमें, तो पर उससे क्या मतलब, जो आपको समझ में आया वो अच्छा है। ठीक है, तो थर्मोडाइनेमिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर, क्या, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, By the system of intervening, ठीक है, intervening system लेना जिससे हमारा क्या हो सके, कन्वर्जन हो सके, मतलब हीट और टेम्परेचर का कन्वर्जन किसके हो सके, इंटरवेनिंग सिस्टम से। ठीक है, मतलब जो बाहरी सिस्टम उससे हमारा हीट और टेम्परेचर का कन्वर्जन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मोडाइनेमिक। ओके, थर्मोडाइनेमिक होती है। अब उस थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर हमारा जो आने वाला है वो क्या क्या टर्म आने वाला, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट, इसलिए यहाँ क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या, लगभग सबको पता है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस गैस होता है स्टूडेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन टू बॉडी कांटेक्ट ईच अदर आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी आर इक्वल, देन दिस इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जब दो बॉडी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी को क्या करते हैं, अगर एक कांटेक्ट मिला दे, एक साथ रख दे, एक ही ग्लास में, दो ग्लास में ठंडा पानी ले, गर्म पानी ले, दोनों को एक साथ क्या कर दे, मिक्स कर दे, एक में ही क्या कर, पोर कर दे, और आप थोड़े देर के बाद क्या देखते हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में, तो चलिए जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक का क्या मतलब है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम से ही ये मतलब रखता है जीरोथ लॉ। तो जीरोथ का मतलब समझ जाओ यहाँ पे क्या है, इसमें थ्री बॉडी को लेना, इट मींस ये व्हेन थ्री बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर व्हेन थ्री बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर टू ईच अदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बाय द जीरोथ लॉ दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, जब तीन बॉडी, यहां क्या तीन बॉडी लेना जीरोथ लॉ में, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ जब एक पहली बॉडी दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, दूसरी बॉडी तीसरी के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो जीरोथ लॉ का यही स्टेटमेंट है कि पहली बॉडी तीसरी बॉडी के क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब है ए बी के अगर इक्विलिब्रियम में हो, बी सी के हो, तो ए सी के होगा, ये जीरोथ लॉ का। इट मीन्स व्हेन टू थ्री बॉडी सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, देन फर्स्ट बॉडी, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट बॉडी, इट मींस फर्स्ट एंड थर्ड बॉडी जो है आल्सो इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, ये इसका जीरोथ लॉ का रूल है। ठीक है, आगे छोड़ देते हैं, आगे समझने में, फिर क्या है, हीट इंजन, इंटर क्या है, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। हीट तो हम लोग पहले से पढ़ ले, हीट क्या होगा, किसी चीज में हीट होता तो वर्क डन के इक्वल होता है, ये पहले से पता होगा। अब वो अलग बात है
कि हीट अगर हम सप्लाई करते हैं उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फिर एक्सपेंशन होगा, चाहे वो क्या हो, लिक्विड हो या हमारा सॉलिड हो, उनसे में तो हीट एनर्जी है। तो हीट, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब किसी भी, हम लोग पहले से पता है अगर हीट सप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है आफ्टर सम टाइम इट वर्क, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले अगर किसी चीज में हम हीट को सप्लाई करते हैं, इट मीन्स किसी बॉडी में करते हैं, किसी लिक्विड में हीट सप्लाई करेंगे, तो सबसे फर्स्ट उसमें क्या होगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती तो हमें या उस बॉडी को नहीं पता, हम अगर इंटरनल एनर्जी जब तक इंक्रीज तब तक हम टच करेंगे उनको कुछ नहीं पता है। जैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो उसके बाद उसमें वर्क होगा, वही वर्क हम लोग को पता चलता है, जैसे पानी बॉइल होने लगा। जैसे सबसे पहले अगर इस समय ठंडी का टाइम है तो इस समय दिसंबर, आज हम लोग जानेंगे कि आज कितना दिसंबर है, ठीक है। तो आज हमारे पास जो है, तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, पानी हर जगह, पानी जहां होता है सब ठंडा पानी, तो इसको गैस स्टोव पे रखते हैं जैसे, या हीटर पे रख देते हैं या कहीं पे रख देंगे, तो थोड़ा देर तक पानी गर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, जैसे इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा, भाप या हल्का सा फीलिंग होगा कि गर्म हो रहा, तो वो कंडीशन होती है तब वो वर्क में चेंज होने लगता है। तो हीट सप्लाई करते हैं, हीट को इसमें डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ई से, और वर्क को डब्ल्यू से पहले से पता है। इसका मतलब यही तीनों मिलाते हैं तब आ जाता है गाइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्या आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डायरेक्टली स्टेट बताते हैं, व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन एनी बॉडी, व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इन एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट, देन इट इज इक्वल टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इट मींस व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू अ बॉडी, देन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट मींस इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन आल्सो, ठीक है। इसका मतलब जो एनर्जी हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को सप्लाई करेंगे, वो जो है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में प्लस वर्क करने में क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो ये होता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, और उसी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक को अगर हम डायरेक्टली लिखते तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस W, ठीक है। बाद में W को हम लोग दिखाते हैं कि यही क्या होता है, P इंटू dV है, इसके अंदर जाके देखना पड़ता है कि P dV है क्या, वर्क मतलब हो जाएगा, हम लोग जानते हैं अगर भाई लिक्विड है तो उसमें वर्क कैसे पता चलेगा, तो हम लोग देखते हैं अगर वर्क डन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगी, सीधी बात, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, वर्क होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। इट मीन्स ये हुआ वॉल्यूम में चेंजिंग को ही वर्क डन बोलेंगे, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, डिक्रीज कर गया तब इसका मतलब वर्क हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वर्क को P इंटू dV, क्या प्रेशर है, जो कि क्या, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर प्रेशर अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगा, आप लोग जानते हैं। तो W इक्वल टू P इनटू dV होगा वर्क डन टर्म, ठीक है। चलिए हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं फटाक से, उसके बाद तब जो है एक-एक करके इलैबोरेट करके अच्छे से समझाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ लिए थे उधर पीछे नेक्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा उसमें था कि आइसोबारिक स्पेसिफिक, हम लोग पढ़े थे ना स्पेसिफिक होगा, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ही होता है गाइस कि जब हम लोग क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज टेम्परेचर, हीट सप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मास या नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब कितना अमाउंट ऑफ मास ले रहे हैं और कितना अमाउंट हम क्या ले रहे हैं किसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ले, उस पर डिपेंड करता है। तो जितना हीट सप्लाई करेंगे, अगर मास कम होगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से टेम्परेचर इंक्रीज, मास ज्यादा होगा तो थोड़ा लेट टेम्परेचर जो है इसका मतलब राइज होगा, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ये डायरेक्टली हम लोग जानते हैं, पढ़ भी लिए हैं कि यस इक्वल टू कितना होता है। तो अगर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, यस तो अगर बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, टेम्परेचर होगा, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ यस टी आ जाता है, तो यस इक्वल कितना होगा, क्यू बाई टी लेंगे अगर ऐसे, तो ये लिखते हैं। और अलग बात है कि यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का मास होता है, तो यहाँ मास होगा तो यहाँ एम लिखेंगे या म्यू लिखेंगे, यहाँ पे यस इक्वल टू क्यू अपान म्यू ले लेंगे, म्यू टी हो जाएगा, तो ये हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। यस का मतलब स्पेसिफिक हीट होता है, जो क्या करता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अगर किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हम क्या करते हैं सप्लाई करते क्यू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, एंड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, और उसपे तो जो मास होता है उसपे, जितना मास होगा उतना ही टेम्परेचर, हीट सप्लाई करना पड़ता है उतना ही टेम्परेचर तब इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ठीक है। और वैसे ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो हम लोग को पढ़ना है क्या है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोब्रोकिक। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है उसी का ये क्या हम लोग का प्रोसेस होता है। तो इस पे कैसे, अगर किसी चीज को हीट करना है तो उसको किस तरीके से हीट करें या किस तरीके से हम क्या करें, हीट सप्लाई करें। अगर हीट हम सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा हीट हम सप्लाई करें उसका टेम्परेचर सेम रहे, मतलब चेंज ना हो, इट मींस जो है फाइनल और इनिशियल दोनों का टेम्परेचर क्या हो, बदले ना, तब उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। गाइस समझिएगा, टेम्परेचर अगर हम क्या करें, हीट सप्लाई करें किसी सिस्टम को, किसी बॉडी को, जिसमें क्या होगा, अगर हम उसको क्या करें, हीट सप्लाई करें बट टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो, इसका मतलब टेम्परेचर ना चेंज हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। When heat supply through any just substance, then after initial and final temperature are equal, then this process is known as isothermal process. ठीक है? Next adiabatic process. Adiabatic में क्या होता है कि heat supply करे but heat क्या करे, इसका heat supply करे but इसमें क्या changing ना हो, जैसे इसमें क्या हो, temperature heat supply करे पर यहाँ देखे heat supply करे उसकी internal energy ना change हो, ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या करें, हीट सप्लाई करेंगे और यहाँ क्या एक तरह से जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करो उसमें क्या हो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है टेम्परेचर, उसमें हीट जो है, अगर ये बात करें, अगर इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है हीट रिमेन कांस्टेंट हो, अगर कोई भी प्रोसेस करे और हीट क्या कर दे, कांस्टेंट हो जाए, मतलब जो भी इसमें हीट सप्लाई करे वो क्या हो जाए, वो कांस्टेंट इक्वल होगा, तब प्रोसेस को बोलेंगे एडियाबेटिक। इट मींस हीट सप्लाई इट मींस प्रोसेस होगा इनिशियल से फाइनल कंडीशन में जाएगा, इसका मतलब प्रोसेस जहां तक जाए, मतलब वर्क हो के चाहे जो, पर उसमें ड्यूरिंग द इनिशियल एंड फाइनल हीट का जो रेशियो होगा, इट मींस हीट का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब हीट फिक्स, जैसे इसमें टेम्परेचर फिक्स हो वैसे इसमें हीट फिक्स होना चाहिए, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबेटिक। आइसोकोरिक, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोबारिक एक में क्या है, प्रेशर रिमेंट कांस्टेंट कर देते हैं, एक में क्या होता है, वॉल्यूम रिमेंट कांस्टेंट कर देंगे। प्रेशर रिमेंट कांस्टेंट कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा बट अगर वॉल्यूम रिमेंट कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए इधर आ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, सेवरल प्रोसेस होगा, ठीक है, और आफ्टर इनिशियल के बाद फाइनल के बाद क्या होता है, इनिशियल प्रोसेस करते करते मतलब सेवरल प्रोसेस के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट में आता है उस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सेवरल प्रोसेस इट अटेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज नोन एज इनिशियल कंडीशन इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेवरल प्रोसेस करने के बाद अपने सेम इनिशियल कंडीशन वापस आया था, तब उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन क्या होता है, हम लोग को हीट इंजन पढ़ना है अभी, क्योंकि कार्नेट हीट इंजन का मतलब अगर हम क्या करते हैं, अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं उसमें प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, मतलब अपने हीट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, फिर उसके बाद वर्क होता है, वर्क के बाद फिर इनिशियल कंडीशन में आया था, तो उसको बोलते हैं हीट इंजन ठीक है ना। फिर आगे है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, क्योंकि हीट इंजन, फिर उसके बाद हीट इंजन पढ़ लेंगे, उसके बाद तो हम लोग को पढ़ना है क्या, तो आगे चलिए देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो पापा, तो ओके गाइस, तो चलिए आगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम मिलाते, तब तक के लिए थैंक यू। आगे मैं इसको समझाऊंगा, फिर आगे तो एक तो इलिबरेट करते समझा, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और घर पे पढ़ते रहिए। ऑक्सीलेशन जितना चैप्टर पढ़ा उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पेपर जो है जैसे ही खुलेगा स्कूल तुरंत पेपर हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, है ना। ओके गाइस, थैंक यू।